ही इस बात का है कि आज तक वो लौट के क्यों नहीं आई। लेकिन एक बात और बता, संकीर्तन उसके बाद छोटी सी कहानी की ओर गौर करके चलेंगे। अभी तक कुछ कहानी तो कही ना है, बड़े बूढ़े कह रहे हैं, सोच रहे हैं, बेमतलब में हैं, तब से कोई ढंग की बात ना है। तो आओ हम एक छोटी सी प्रेम कहानी शकुंतला और दुष्यंत के बारे में आप लोगों को बताएं। शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी जो है, यानी शकुंतला कौन थी बता दूं मैं आपको। ये शकुंतला जो थी ये विश्वामित्र की और मैनिका की बेटी थी। मैनिका नाम की अप्सरा शकुंतला को जन्म दे के चली गई कण्व ऋषि के यहाँ छोड़कर। इधर हस्तनापुर के राजा जो दुष्यंत हैं, एक दिन घोड़ा पर सवार होकर दुष्यंत शिकार खेलने के जंगल की ओर चले। भैया ऐसा ही नहीं है, पिता को सुन कर कहीं की तेरा उठा।
बाद में मेरे भैया दुष्यंत शिकार खेलवे को जब चले तो जंगल में जब आगे बढ़े तो शिकार खेलत वे घूमत वे वहीं पे पहुंच गए जहां महात्मा जी को आश्रम है। और महात्मा जी के आश्रम के किनारे सेना को लेके जब पहुंचे तो आश्रम पे एक बहुत सुंदर कन्या को देखा, चेहरा चंद्रमा के समान जिसका चमक रहा था। देखने में जिस कन्या की सूरत चंद्रमा के समान थी, कवि ने तो यहां तक तुलना करी है कि जो आश्रम पर लड़की थी भूल गए, हाथ से धनुष बाण खिस गए। आश्रम पे जो कन्या है उसको यो, उसकी ओर आकर्षित होने लगी। देखते रह गए टकटकी लगा के। अब जब देखते रह गए तो बिटिया ने देखो कि जो अनजान रास्तागीर जो है वो अचानक खड़ो क्यों हो गए। देखने में तो राजा महाराजा लग रहा हो, कोई शिकार खेल लग रहा हो, तो जहां बेमतलब में क्यों खड़ो। आगे बढ़ के गई, पूछा तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और इस तरह से अचानक खड़े क्यों हो गए। आगे बढ़ के पूछा है एक बात बता कि वो समझ गई उनके मन